पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में बैंगन भरवा बताऊंगी हरे धनिए के। मुझे पक्का पता है आपने बिल्कुल नहीं खाए होंगे, आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेंगे। आपने मसाले वाले खाए होंगे लेकिन हरे धनिए के आपने बैंगन नहीं खाए होंगे, वो रेसिपी आज मैं आपको बताऊँगी। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने क्या क्या सामग्री लिए। 300 ग्राम मैंने छोटे भरवा बैंगन लिए हैं, एक बंच मैंने हरे धनिए का लिया है, इसमें हरा धनिया बहुत ज़्यादा लगता है, एक बंच मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ हरा धनिया का मसाला हरी मिर्च अदरक और लहसुन के साथ भर के बना सकते हैं। यहाँ पर मैं दो प्याज भी लूँगी। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 प्याज लिए हैं। अदरक, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और हरा धनिया, इन सबका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। मसाले मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हरे धनिए का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। हरा धनिया लिया है इसमें, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। चलिए हमारे भरवा बैगन हम बनाते हैं। मसाला फ्राई करने के लिए मैंने तेल डाल दिया है पैन के अंदर, 1 बड़ी चम्मच मैंने ऑयल लिया है, गर्म हो चुका है हमारा ऑयल। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच जीरा ऐड करूँगी और 1/2 चम्मच सौंफ। इसके बाद हमारा हम पेस्ट डालेंगे। हरे धनिए का मसाला भर के जो हम बनाते हैं बैगन, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका टेस्ट कैसा लगेगा, लेकिन आप एक बार बना के ट्राई करिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इस मसाले को हमको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हाफ फ्राई करना है हमको इसको। ये देखिए बहुत ही अच्छा ग्रीन मसाला तैयार हुआ है। ये सब्ज़ी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है, हरे धनिए से भरपूर है ये सब्ज़ी। जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तब तक मैं बैगन के अंदर कट लगा लेती हूँ। बैगन में हम कट लगाते हैं, इसमें हमको 4-4 कट लगाने हैं, इस तरह से। डंठल हमको इसका नहीं निकालना है, इस तरह से 4 हमको कट लगा के अंदर चेक जरूर करना है कि कहीं बैगन में कीड़ा तो नहीं है। कई बार बैगनों में अंदर कीड़े रहते हैं, इसलिए आप इस बात की सावधानी रखिए कि ज़रूर आप चेक करिए। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरह से मैं सारे बैगनों में कट लगा लूँगी 4-4 और फिर हम इसमें मसाला भरेंगे। ये देखिए सारे बैगनों में मैंने कट लगा लिए। अब जब हमारा मसाला हाफ फ्राई हो जाएगा फिर हम उसमें मसाले डालकर और बैगनों के अंदर भरेंगे। ये देखिए हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, हाफ फ्राई किया मैंने इसको। इसमें हम हमारे मसाले ऐड करेंगे। पिसा धनिया 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चम्मच क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिलीज लिए ज़्यादा, और हल्दी हमको बहुत ही कम लेनी है, 1 पिंच के करीब मैंने हल्दी ली है, और नमक 1 चम्मच, साथ ही पिसा गरम मसाला। खटाई हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, अगर आप अमचूर ऐड करना चाहते हैं तो इस समय आप अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नींबू की खटाई डालूंगी तो मैं लास्ट में ही डालूंगी। अगर आप इमली की खटाई डालना चाहते हैं तो आप इमली का पल्प भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। अब इस मसाले को हम निकाल लेते हैं, मसाला निकाल लेते हैं। गैस मैंने ऑफ कर दी। अब जो बैगन में हमने चीरे लगाए हैं 4-4, उन बैगन में हमको ये मसाला भरना है। चलिए बैगनों के अंदर हम मसाला भरते हैं। इस तरह से हमको इनमें मसाला भरना है। इस तरह से सारे बैगनों में मसाला भर देती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बैगनों के अंदर मैंने अच्छे से मसाला भर दिया है। ये देखिए सारे बैगनों में भर दिया है
और साथ ही मैंने पैन में ऑयल चढ़ा दिया है, 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बैगन हमारे डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 पिंच हींग डालूंगी और अब इस ऑयल में हम बैगन डालेंगे। सावधानी से हमको बैगन डालना है, इस तरह से कि इजीली उनको अच्छे से सेट कर दें और जब हम इनको सेकें तो ये अच्छे से सिक जाए। इस तरह से आप डालिए। ये हमने बैगन सारे इसमें डाल दिए, अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। हमारे बैगनों को हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। देखिए अच्छे से सिक रहे हैं, इनको फिर से हम ढक के पकाएंगे। ये देखिए लगभग हमारे बैगन पकने वाले हैं, देख रहे हैं जैसा थोड़ा से कच्चे हैं। तो इस स्टेज में जाके हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ मसाला है वो हम इसमें डालेंगे। पहले से हमको नहीं डालना है नहीं तो फिर मसाला जल जाता है। अब जो हमारे बैगन तैयार होने वाले हैं तो उसके साथ हमको इनको डालना है। बस अब थोड़ी देर हम इनको और पकाएंगे, फिर हमारे बैगन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमारे बैगन बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब लास्ट में मैं इसमें नींबू का रस ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस निकाल के रखा है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। गैस हम ऑफ कर देते हैं और अब हमारे बैगन हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं बैगन, हरे धनिए के मसाले से उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे भरवा बैगन हरे धनिया वाले बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छी इनमें खुशबू आ रही, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।